आज हम आपको दिखाएंगे मात्र 13,000 रुपए में पूरी प्लास्टिक पार्ट कैसे बदलते हैं और कौन कौन से प्लास्टिक पार्ट लगते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर। और यहाँ पर मेरे पास जो आई हुई है ये एक कंपनी की गाड़ी है जो कि सिंगल लाइट डिस्क के नाम से जाना जाता है। पूरे जितने भी डीलर्स हैं वो लोग सिंगल लाइट के नाम से जानते हैं, जो कि आप देख पाएंगे इसके नीचे दो डबल नोज दी रहती है और एक सिंगल लाइट दी रहती है। तो बहुत सारे लोगों की दिक्कत है कि यहाँ पर मेरी जब गाड़ी लड़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमको प्लास्टिक पार्ट नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं आपको उसी का सजेशन लेकर के आया हूँ। बहुत तो यहाँ पे मजबूत प्लास्टिक पार्ट लेकर के आया हूँ जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ आगे का फ्रेम, ये मड गार्ड और पीछे की ये फुटरेस्ट फुट मैट और ये साइड के पैनल और ये वाला जहाँ पे आपका ये बंधा रहता है, ये सारी चीज़ें जो है चेंज होंगी और चेंज करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका लुक कैसा निकल के आता है। यहाँ पर देखिए मैंने सारा आइटम मंगा लिया है जो कि एक एक आइटम मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको एक एक पार्ट दिखाने वाला हूँ। तो ये आपका यहाँ का बोर्ड के नीचे का पार्ट है जो कि अभी हम लोग खोलेंगे और लगा करके भी दिखाएंगे, इसको साइड में रखते हैं। और फिर ये दूसरा पैनल जो कि आप देख पा रहे होंगे इधर साइड का, ये वाला पैनल है जो कि आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छा है और मजबूत क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा अभी हम लोग दबा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्लेक्सिबल क्वालिटी दे रखी है। अगर आपको परचेज करना है तो पूरी बॉडी अगर इसकी परचेज करेंगे तो आपको 13,000 रुपए के समथिंग पड़ेगी। अगर आप देखेंगे कि आपने बाहर से माल मंगाया है, ये इंडियन मेड माल है और इसमें जो डिजाइन है जो क्वालिटी है वो भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे छोटे छोटे आपको बबल्स नजर आएंगे जो कि जो बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ माल होता है वहाँ पे इस तरीके का दिखता है, तो ये दब जाता है या फिर फट जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे हम लोगों ने जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक की आपको रिबिट लगाए दिखाई दे रही होगी। अभी दूसरा यहाँ पे हम आपको प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं जो कि इससे पूरी गाड़ी का पूरा सामान आपको प्लास्टिक पार्ट के अंदर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर लगने वाला अंदर की तरफ केस है जो कि आप देख पाएंगे, ये भी काफ़ी मजबूत क्वालिटी का है और दोनों ही केस जो है अच्छे हैं। अभी दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखाने वाले हैं तो ये देख पा रहे होंगे ये बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, ये कहाँ की चीज़ है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये लगता है, ये सबसे नीचे लगता है और ये जब पूरा लगेगा तब बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको ये भी क्वालिटी काफ़ी यूनिक कर दी गई है। तो सबसे ज़्यादा टूटने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर है, ये चीज़ बहुत जल्दी जल्दी टूटती है यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी हार्ड बनवा दिया। आप देख पा रहे होंगे मैंने कितना पुश किया है लेकिन ये टूटने वाला नहीं है, बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। अब इसके आगे वाला पोर्शन दिखाते हैं। जो आगे वाला पोर्शन है वो देख पा रहे होंगे साइन मैट ब्लैक कलर में है। आप किसी भी तरीके की स्टिकरिंग करा सकते हैं इसके अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और इसमें देख पा रहे होंगे जो इसका कलर है ना वो एकदम मैच करने वाला कलर है, ये भी आपको इंडियन मेड में मिल जाएगा। और इसका जो है काफ़ी अच्छा फिनिश है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। दिखा पा रहे होंगे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देख पा रहे होंगे कितना लचकदार है और ये कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने फुल बॉडी को ओपन कर लिया है और चेचिस को इस तरीके आपको नज़र आएगी। और जब चेचिस इस तरीके नज़र आने लगेगी तो आपको कुछ इस तरीके के पार्ट्स असेंबल करने पड़ेंगे। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको रिबिट टाइप की पत्ती दिखाई देगी, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा, तभी इसके ऊपर जो है आप स्क्रू टाइट कर पाएंगे। और जब स्क्रू टाइट करें तो नई पत्ती का प्रयोग करें, पुरानी ओल्ड पत्तियों का प्रयोग ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि टाइटनेस ख़त्म हो जाती है ज़्यादा खुलने बंद होने पे। तो यहाँ पर मैंने पूरा इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अभी इसमें क्या क्या चेंज होंगे ये भी दिखाएंगे आपको। पीछे लो पहले, पीछे लो, बीच में दबाओ, उधर दबाओ।
देखो पहले इधर का करो, तो यहाँ पे पत्ती लगानी पड़ेगी, पत्ती फिर वो पूरी किट चेंज हो गई रिमोट वाली।